अभी हम कालिम्पोंग जिला के गोरुबथान बीपीएससी में हैं और हम यहाँ पर जो चार्ट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसी बीपीएससी का जो बीएमएच है उनसे मिलने जा रहा है। अभी हम गोरुबथान बीपीएससी में आए हैं और जो यहाँ का बीएमएच है उन्हीं से यहाँ का जो असुविधाएँ है उन बारे में बात करेंगे। गोरुबथान बीपीएससी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, यहाँ पर डॉक्टर्स क्वार्टर या नर्सिंग क्वार्टर नहीं है। सेकंड इशू जो है यहाँ का जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन ओल्ड मॉडल का है और ये पुराना मशीन होने के लिए फ्रीक्वेंटली एक ट्रबल देता है। तो इससे क्या होता है, मतलब पब्लिक सर्विस हैम्पर होते हैं। तो अगर न्यू एक यहाँ पर एक न्यू एक्सरे मशीन का एक ज़रूरत है, डिजिटल मशीन होने से तो और भी अच्छा होगा। डिजिटल एक्सरे मशीन को इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर जो रूम होना चाहिए, रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसका इशू जो एकदम बर्निंग इशू है, प्रेग्नेंट महिला और अन्य रोगियों से निपटने के लिए ये हेल्थ सेंटर कितना सक्षम है आइए जान लेते हैं। को घर से कति टाड़ो छ यो बीपीएससी देखि? यहाँदेखि 2 घंटा। मतलब घर को कुन गाँव में छ? गाँव मान्जिन। र कुनै गाड़ी को सुविधा तपाईले पाउनुहुन्थ्यो? मतलब आफ्नो खर्चमै जानु पर्छ। आफ्नो खर्चमा तपाईँहरूले जुन एउटा यो अवस्थामा है जुन दबाईहरू खानु पर्थ्यो होइन, त्यो दबाईहरू समय समयमा खानुभयो तपाईँले? हजुर। त्यो दबाई कसले प्रोभाइड गरिदिन्छ तपाईँलाई? कुन सेन्टर चाहिँ? गोरुबथान बिपिएससी देखिए तो हस्पिटल है, हस्पिटलमै पानीका असुविधा नहीं होना चाहिए। पर हम लोग का जो पानी मिलता है ये डेडिकेटेड वाटर सोर्स एक्चुअली ये नहीं है। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है, बार बार हम लोग को बहुत खर्चा करना पड़ता है और ये खर्चा मतलब ये पब्लिक मनी है। तो ये पैसे हम लोग दूसरा जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल का दूसरा भी उन्नति प्रकल्प में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। पर हम लोग को हर साल एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो हम लोग के पास ऑफिस फंड या एनएचएम फंड में आते हैं वहाँ से हम लोग ये पानी का जो वाटर लाइन ये मेंटेनेंस में जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी कोई डेडिकेटेड वाटर सोर्स नहीं है। जो इमरजेंसी होता है वो इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी जो उपकरण है जैसे ऑक्सीजन और जो परिवहन का जो सुविधा है वो क्या कैसा है इस बीपीएससी का? ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग के पास बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, बी फॉर बॉल, बी टाइप ऑक्सीजन 13 जैसे 13। ये तो हम बार बार बोला हूँ मैं, 13 सिलेंडर नॉर्मल टाइम के लिए ठीक है, पर कोविड सिचुएशन में यही 13 सिलेंडर से हॉस्पिटल और सेफ होम दोनों ही मेरे को मैनेज करना होता है। तो 13 सिलेंडर से अगर ज़्यादा सिलेंडर यहाँ पर होता तो अच्छा होता। तो हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट में इसका इंडेन भी प्लेस किया, ऊपर डिस्ट्रिक्ट भी शायद मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में है। तो वी आर होपफुल दैट हम लोग के पास और भी बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आएगा। थैंक यू सर। आने वाले पूरे साल में हम जो यहाँ का जो बीपीएससी का जो जितना भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चार्ट प्रोजेक्ट के द्वारा काम करेंगे। थैंक यू। वी मंजुल थापा, इंडिया अनहर्ट के लिए।